यूं तो इतिहास में अब तक बहुत से अजीबोगरीब परीक्षण किए जा चुके हैं, जैसे कि आत्मा का वजन मापना या फिर मृत इंसान या जानवर को जीवित करना। अगर आपको एक दिन के लिए बिना सोए गुजारने के लिए कह दिया जाए तो अगले दिन आपका सर भारी होने लगेगा, आपकी क्या हालत होगी ये आप समझ ही सकते हैं, और इसके अगले दिन आपको सारा दिन थकावट महसूस होने लगेगी। यूं तो हमें हर रोज कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, लेकिन क्या हो अगर आपको 30 दिनों तक सोने ही ना दिया जाए। इस बात की आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ही एक परीक्षण 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ में बंदी बनाए गए 5 कैदियों पर किया गया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इस एक्सपेरिमेंट को मजबूरन बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस परीक्षण को पूरा होने से पहले ही उन कैदियों को जान से मारना पड़ा? मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे ही एक परीक्षण के बारे में जिसने इंसान को एक हैवान में तब्दील कर दिया। हम बात कर रहे हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। ये घटना सन 1940 की है, जब सोवियत संघ ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए 5 कैदियों को चुना था। इस परीक्षण में उन कैदियों को 30 दिन के लिए एक कमरे में बंद किया जाना था और ये शर्त रखी गई कि अगर वह 30 दिनों तक बिना सोए इस परीक्षण को सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस कमरे में उन कैदियों को रखा गया था वहां उनके खाने पीने का सामान और मनोरंजन के लिए कुछ किताबें जैसी सहूलतें उपलब्ध करवाई थी। उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, इसलिए उस कमरे में 2 वन-वे मिरर और एक माइक्रोफोन लगाया गया जिससे उन कैदियों की हलचल पर नजर रखी जा सके। साथ ही साथ उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी गैस छोड़ी गई जिससे उन कैदियों को नींद ना आ सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह परीक्षण आगे जाकर एक भयानक रूप धारण कर लेगा। शुरू के 4 दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 5वें दिन स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई जब एक कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि उसके गले की वोकल कॉर्ड्स तक फट गईं। लेकिन उसके ऐसे बर्ताव से बाकी कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह बाकी कैदियों की भी हालत बिगड़ने लगी। जो गैस उस कमरे में छोड़ी गई थी उसका असर अब दिखना शुरू हो गया था। उन कैदियों को कोई देख ना ले इसलिए उन्होंने कमरे में रखी उन किताबों के पन्नों को फाड़कर अपने खून से उस मिरर पर चिपका दिया। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले शोधकर्ता धीरे धीरे उस गैस की मात्रा को बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब सी बड़बड़ाने की आवाजें आती रही जो कि बाद में बंद हो गई। रिसर्चर्स को पहले ऐसा लगा कि शायद माइक्रोफोन में कुछ खराबी है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन के हो रहे प्रयोग से साफ पता चल रहा था कि वह 5 कैदी अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जब कुछ दिनों बाद कमरे से आवाजें आनी बंद हो गई तो शोधकर्ताओं ने घबराकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया। अंदर का माहौल देखने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया कि सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाएं। हम अंदर माइक की जाँच करने के लिए दरवाजा खोलने लगे हैं, अगर कोई भी कैदी सामने आया तो उसे गोली मार दी जाएगी। तभी अंदर से एक आवाज आई जिसमें एक कैदी ने कहा कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते, हम यही रहना चाहते हैं। ये बात सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने कैदियों की बात को नजरअंदाज किया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उस कमरे में चारों तरफ खून ही खून पड़ा था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे जिसे वे खा रहे थे। कुछ कैदी फर्श पर पड़े मांस के टुकड़ों को खा रहे थे, लेकिन कैदियों को जो खाना दिया गया था उसे उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। ये नजारा अपने आप में दिल दहला देने वाला था। उन कैदियों का इलाज करने के लिए जब उन्हें इस कमरे से बाहर हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा तो वह सभी चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे कि उन्हें वापस इसी कमरे में दाखिल किया जाए, अब वह यही रहना चाहते हैं। डॉक्टर्स ने उनकी बात को नजरअंदाज किया
और जब उन्हें बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का एक इंजेक्शन लगाया तो उसका उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह नजारा बेहद चौंका देने वाला था। आपको बता दें कि इंसान को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन का केवल एक ही इंजेक्शन काफी होता है, लेकिन ना जाने ये जहरीली गैस इन कैदियों के दिमाग पर क्या असर कर गई, जिससे इन पर मॉर्फिन का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि वो कैदी ये कहने लगे कि उनका ऑपरेशन उन्हें होश में रखकर ही किया जाए, क्योंकि दर्द में उन्हें मजा आने लगा है, और साथ ही साथ वे उस कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे। ऑपरेशन के दौरान उन 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद सोवियत संघ के चीफ कमांडर ने इस परीक्षण को जारी रखने का आदेश दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट अब एक भयानक रूप ले चुका था। जिंदा बचे उन 2 कैदियों को वापस उस कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए रिसर्चर्स काफी घबरा गए और इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने की मांग करने लगे। लेकिन चीफ कमांडर के आदेश से वे ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन 2 कैदियों की निगरानी करने के लिए उनके साथ 3 और रिसर्चर्स को भेज दिया गया। उन कैदियों की हरकतों को देखकर एक रिसर्चर इस कदर घबरा गया कि उसने तंग आकर एक कैदी से पूछा कि आखिर तुम कौन हो। इस पर वो कैदी जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ, जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे डर कर तुम रातों को सो जाते हो। मैं तुम्हारे अंदर का वो शैतान हूँ जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। उस कैदी की ये बातें सुनकर वह रिसर्चर इस कदर खौफजदा हो गया कि उसने अपनी गन निकालकर उस चीफ कमांडर को और अपने साथी रिसर्चर्स के साथ उन दोनों कैदियों को गोली मार दी। आखिर में उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे ये एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया और दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। काफी लंबे समय तक इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई को लोगों से दूर रखा गया, लेकिन साल 2009 में creepypasta.wiki नाम की वेबसाइट पर एक अज्ञात व्यक्ति ने दुनिया के सामने इस परीक्षण का खुलासा किया, जिसके बाद लोगों के बीच काफी बवाल मचा। रूस की सरकार से जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को तुरंत टाल दिया और कहा कि यह किसी मानसिक रूप से बीमार लेखक की मनगढ़ंत कहानी है और इस पर तहकीकात भी करने से साफ मना कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट में जो गैस इस्तेमाल हुई जिसने उन कैदियों को इंसान से हैवान बना दिया और अंत में उनकी जानें ले ली, उसके बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट वाकई में हुई थी या फिर ये एक मनगढ़ंत अफवाह है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।